हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज मैं आपके सामने फिर से एक नया रामेन ट्राई करने जा रही हूँ सैमयंग की वैरायटी का, क्योंकि सैमयंग बहुत सारी वैरायटीज़ बनाता है। ओ बाय गॉड, मज़ा आता था सारी ट्राई कर करके। मतलब बहुत इन्जॉयबल मोमेंट होता है मेरे लिए, एंड ये वाला वीडियो मुझे बहुत, मतलब आई एम सुपर एक्साइटेड। फिलहाल देखा जाए मैं सारी वीडियोज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि कुछ नई चीज़ ट्राई करने को मिलती है, क्योंकि वो एकदम वो था ना पहला टेस्ट टेस्टिंग आपके साथ करने जा रही हूँ। वही आज मैं आपके साथ पहली टेस्ट टेस्टिंग आपके सामने हम करने जा रहे हैं, और वो है सैमयंग का सी फूड पार्टी रामेन। तो ये सी फूड पार्टी रामेन सैमयंग का ये नया नवेला आया हुआ है। कुछ टाइम पहले इसका जन्म हुआ था मार्केट के अंदर, और अभी इसको हम ट्राई करने जा रहे हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सैमयंग की पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। मतलब यू लुक सो प्रिटी, मतलब सी फूड के बेस पे कितना प्रिटी बना रखा है, मतलब लुक कितना ज़्यादा प्रिटी बना रखा है। एंड मेरे क्लोज़ेट, मतलब मेरे एक छोटे से जो क्लोज़ेट है उसके अंदर जो कबाड़खाना मैंने बना रखा है, उसमें मुझे इस कलर की ना शर्ट नहीं दिखी, तो मैं सोचा चलो कुछ मैचिंग कर लेते हैं। तो फिलहाल माई मैचिंग शर्ट देखो देखो देखो। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे। एंड पैकेजिंग के नाम पे जैसे मैंने बोला बहुत अच्छा है, और इसमें क्रैप है इसके अंदर, जैसे इसके पे सी फूड में मेरे ख्याल से इसमें आई डोंट नो इसके फ्लेक्स के अंदर में जो अलग से फ्लेक्स होती हैं उसमें क्रैब और ये ऑयस्टर्स और ये लॉबस्टर और ये जो भी है, फिलहाल ये सब चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी आई डोंट नो। सो नाउ लेट्स ट्राई दिस आउट। एंड आई मतलब मेरे थोड़ा दिमाग में नोशन है ये वाला कि इतना ज़्यादा स्पाइसी होगा कि नहीं होगा। मतलब स्पाइसी बेस में तो मैं इसको मान नहीं रही हूँ, इसलिए इसका टेस्ट टेस्टिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि सी फूड बेस है तो मेरे दिमाग में एक छवि बनी हुई कि स्पाइसी तो नहीं होने वाला। तो चलिए चलते हैं, ट्राई करते हैं, खाते हैं, पकाते हैं। सो लेट्स गो। इसके साथ मिला है सी फूड पार्टी सूप पाउडर और फ्लेक्स। चलिए देखते हैं इसके फ्लेक्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी फ्लेक्स के अंदर के इंग्रेडिएंट्स को देखने में। एंड सबसे बेस्ट पार्ट कि इसकी पैकेजिंग के अंदर भी सारी चीज़ें ब्लू ब्लू कलर की हैं। अब हम डालेंगे पाउडर, सूपी पाउडर, 550 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर, और उसमें डालेंगे सूपी पाउडर और डालेंगे फिर फ्लेक्स। बहुत ही ज़्यादा एकदम से सी फूड की खुशबू आ रही है, एकदम से जो अलग से पिक्यूलियर सी फूड की खुशबू आती है वो आ रही है। जो फ्लेक्स हैं उसके अंदर में डिहाइड्रेटेड पलाक है, जो कि फिश है, पलाक आई डोंट नो, ड्राइड कैबेज है, ड्राइड कैरेट है, डिहाइड्रेटेड चाइव्स हैं और ड्राइड सी वीड है। ये चीज़ें इनके फ्लेक्स में इसमें दे रखी है, और अब ये सूप के साथ पक रहा है। अब इसमें हम डालेंगे इसका रामेन और इसको पकने देंगे। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इसका जो टेक्सचर है और जो सैमयंग के जो बाकी रामेन्स मैंने खाए थे उसका जो टेक्सचर था बहुत डिफरेंट है। इसका मतलब हमारी जो इंडियन मैगी होती है ना, इसका काइंड ऑफ उस जैसा टेक्सचर है, जबकि सैमयंग के जो मैंने अब तक ट्राई करा है उनका थोड़ा फ्लैट बाउंसी नूडल टाइप का टेक्सचर होता था। एंड ये आई थिंक कटल फिश नहीं, पलाक, ड्राइड पलाक फिश। तो फाइनली रेडी है हमारा सी फूड रामेन, एंड दिस कटोरा ऑफ माइन इज़ वेरी हैवी, तो मैं ज़रा इसके नीचे तकिया लगा लूँ, थोड़ा वो बहुत भारी पड़ गया, एक हाथ से बहुत देर तक नहीं पकड़ पाऊँगी मैं। हाँ बहुत ज़्यादा भारी है। फिलहाल ये बन गया हमारा सी फूड रामेन, जिसकी पहली बात तो फनी सीन ये है कि मुझे पता नहीं था कि ये सूपी बेस है, मुझे लग रहा था कि नॉर्मल रामेन बेस्ड होगा, बट ये सूपी बेस था। और जब ये पक रहा था ना, सच बताऊँ एकदम ना एकदम सी फूड वाली जो पिक्यूलियर स्मेल आती है ना, एकदम वैसी आ रही थी जो फ़िलहाल मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही थी। तो मेरे लिए थोड़ा वो नेगेटिव पॉइंट जा चुका है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे सी फूड पसंद है बट मुझे इतना ज़्यादा वाला नहीं पसंद है, और मुझे मतलब एक्सपेक्टेड था कि इसमें से एक सी फूड वाला जो फ्लेवर वाली जो खुशबू होती है वो आएगी, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो उससे थोड़ा मैं थोड़ी मतलब ऐसे तो नहीं ना कि मुँह में माउथ वाटरिंग वाली नहीं थी, बट चलो अब खा के देखते कैसा है। एंड एक चीज़ ज़रूर है
जैसे जो सैमियांग के पुराने जितने भी रामन खाए थे उनका जो टेक्सचर था और इसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट है। इसका एकदम मैगी वाला है, जैसे नोंगशिम और मैगी का जो एकदम उस टाइप का जो होता है ना, पतला वाला सिंगल सिंगल थ्रेड वाला, उस टाइप का है ये वाला। थोड़ा इसका टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है, उस बेस में नहीं है। एंड चलो हम पहले बाइट खाते हैं, मतलब पहली बाइट लेते हैं। और दो इसका सूप मैंने ले लिया है, ये सूप वाला चम्मच, बट इसके अंदर में मेरा सूप ऐसा लग रहा है जैसे नूडल खा गया सारा। फिलहाल चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो हम छोटी सी एक बाइट लेंगे और जो आ नहीं रही मेरे हाथ में एक अच्छी सी, बहुत लंबी लंबी स्ट्रिंग्स हैं इसकी। तो ट्राई करके देखते हैं। तो टेस्ट वाइज सॉल्टी है मुझे, मतलब इसका जो मुझे सैमियांग की खासियत बहुत ज़्यादा यही लगती थी कि उसका नूडल का जो टेक्सचर होता था ना, जब वो चुई उतना बाउंसी और चुई होता था ना, ये वैसा वाला नहीं है, मतलब उससे 50% है। स्मूद है, अच्छा खासा स्मूद है, मगर उतना बाउंसी टेक्सचर नहीं है। और अब थोड़ा ट्राई करके देखते हैं हम ये ड्राइड फिश जो है, पलक थी ना मेरे ख्याल से, पलक पलक बोल रही थी, इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी थी तो इसलिए मुझे पता है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मुंह के अंदर ना मच्छी वाला जो एरिया होता है ना वो चल रहा है। जिसको जो एक होता है ना सी फूड मुझे पसंद आता है जिसकी वो एक पर्टिकुलर जो फ्रेगनेंस होती है ना वो नहीं हो, मुझे वो वाला पसंद नहीं आता जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस हो, मुझे नहीं पसंद आता। एंड इसकी फ़िलहाल वही है। और इसकी जो फिश खाई अभी उसके अंदर भी ना एक अलग ही ऑयल, मैं बोलूँ फिश ऑयल वाला जो एक थोड़ा सा टेस्ट होता है ना, काइंड ऑफ उस तरीके का आ रहा है। मुझे फ़िलहाल खुशी नहीं हो रही है, मतलब मुझे मतलब हैप्पी वाला फील नहीं आ रहा है मुझे अभी तक फ़िलहाल। बिल्कुल भी इसके अंदर में मतलब सूप वाला बेस था तो समझ में आ रहा है कि इसको नूडल्स के अंदर में थोड़ा सा अलग से उसमें एक फ़्लेवर आ रहा है, जो सूप था इसका उसका अलग से फ़्लेवर इसमें आ रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि सूप थोड़ा सा मुझे मिल जाए, मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी। थोड़ा सा मिल गया, फिलहाल अभी हम थोड़ा सा लेटस खा के देखेंगे। लेटस और बहुत ही ज़्यादा जो पर्टिकुलर लेटस का फ्लेवर होता है ना, एकदम क्रंची क्रंची वाला, एकदम रिफ्रेशिंग सा, एकदम से मतलब एकदम ट्विस्ट हो गया, एकदम से जो खा रही थी उस एकदम से ट्विस्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा ये जो सूप बचा हुआ है तब जब तक ये थोड़ा सा पी ना ले, इसको क्या बोलते हैं ये मेरा नूडल इसको ख़त्म ना कर ले सूप को, तब तक मैं ट्राई करती हूँ। ओ मुझे इसमें वो मिला ग्रीन अनियन, भाई साहब ये लोग बहुत अच्छा डिहाइड्रेट करते हैं, कसम बता रही हूँ। फिलहाल थोड़ा सा सूप पी के देखते हैं। सूप में से ना थोड़ा सा सोया सॉसी, थोड़ा फिशी फ्लेवर आ रहा है, मगर इसकी जो ये जो ब्रॉथ बोलूँगी मैं, सूप भी नहीं बोलूँगी, इसकी जो ब्रॉथ है इसका फ्लेवर अच्छा है। मतलब आई एम लाइक लिटरली नूडल्स के सामने मुझे इसका ब्रॉथ का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नमकीन है, थोड़ा सा एकदम ज़्यादा फिशी फ्लेवर नहीं आ रहा है, मसाले मतलब हल्का सा थोड़ा मसालेदार भी हल्का सा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं सी फूड रामन वाली ब्रोथ ले रही हूँ जब मैं ब्रोथ को पी रही हूँ, बट हाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ उससे कुछ कुछ मतलब उसकी जान पहचान का कुछ है, उसके भाइयों में से कुछ है, मगर एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम प्रॉपर लग रहा हो कि एकदम ही एकदम एकदम सी फूड वाला जो फीलिंग आती है ना वो आ रही हो, वैसा नहीं है। जबकि इसकी खुशबू जो अभी इस पूरे रामन की खुशबू आ रही है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ मच्छी बाजार लग रहा है मेरे को इसके अंदर अभी, बहुत ज़्यादा वैसी है, एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ओहो छोड़ो रहना, तो सुनिए ना मैं तो अभी ये थोड़ा और ट्राई करके देखेंगे। बट लाइक इसके जो जो नूडल्स हैं आई एम लाइक अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड इन दिस, कि इसके जो टेक्सचर है मुझे सामेंगा वही जैसे मैं बता रही हूँ उसका वो टेक्सचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था, ये वाला मुझे इतना ज़्यादा
मतलब इतना खास नहीं, मतलब इस फ्लेवर के साथ में ये वाला मुझे इतना बाउंसी बाउंसी नहीं लग रहा है, जबकि मैंने इसको आई थिंक 4 मिनट जो इसका जो वो था वही पका रखा है, बट इसका वो बाउंसी फ्लेवर जो होता है ना एकदम प्रॉपर बाउंसी बाउंसी वो नहीं आ रहा, मतलब कि खा के उसको चबाने में मज़ा आ रहा हो वैसा नहीं है। इट्स ना एक नॉर्मल मतलब काइंड ऑफ एक इसका जो टेक्स्चर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा मैं क्या बताऊँ, मेरा थोड़ा ये अलग ही टाइप का दुख हो गया है कि इसका थोड़ा देखो भाई मैं बार फिश देखूंगी फिश बिल्कुल हल्का जो जो फिश ऑयल वाला फिश का जो फ्लेवर है ना वैसा आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगी ऑन अ लिटिल ट्रू नोट, तो फिलहाल मैं ये बोलूँगी ऑन अ लिटिल ट्रू नोट कि मेरे लिए अभी तक का सबसे ज़्यादा लीस्ट फेवरेट है, मेरे लिए है, क्योंकि मुझे जो मतलब काइंड ऑफ मुझे ये चीज़ पता थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, बट ये मुझे बिलो एवरेज लगा, क्योंकि इसमें से ना फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है मुझे, खुशबू के नाम पे तो मैं वैसे ही थोड़ी कट गई, फिर इसका टेक्सचर भी जो नूडल्स का था वो भी एकदम दिल को दुखा दिया मेरे, फिर इसके जो जैसे फिश वगैरह या जो भी चीज़ें तो इसमें फ्लेक्स दे रखे हैं, मुझे लग रहा है कि जिस इंसान को भी ना मतलब सी फूड वाला जो एक वेरियंट वाला जो कंसेप्ट होता है ना जो एकदम टेस्ट बर्ड और जो स्मेल का जो कंसेप्ट होता है वो जिसको उसको सूंघ के दिल मतलब मुँह में पानी आ जाता है ना उसके लिए ये बेस्ट है। वो चाहे तो इसके अंदर में ना थोड़े वो भी डाल सकता है, मतलब इसके अंदर जैसे इसकी फ़ोटो में लगे हुए थे ना वो क्रैब था और वो ऑयस्टर था और लॉबस्टर था जो भी चीज़ें थी वो सब डाल सकता है तो आई थिंक अच्छा लगेगा। बट पीपल लाइक मी जिनको सी फूड पसंद है बट वो जो एक फ्रेगनेंस वाला सीन होता है और जो वो सी ऑयल वाला सीन होता है फिश ऑयल वाला सॉरी, अगर उनको वो चीज़ नहीं पसंद है तो आपके लिए लिटरली लीस्ट फेवरेट जाएगा, मतलब लिटरली लीस्ट फेवरेट जाएगा। मुझे मैं इसको देखूंगी कि मैं इसमें कुछ अलग चीज़ें डालूं, आई थिंक मैं इसमें पता नहीं कुछ तो करूंगी इसका और मैं इसको भी खाऊंगी, क्योंकि मुझसे ऐसे नहीं मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा यार। देखो सबका अपना टेस्ट बर्ड हो जाता है या सबकी अपनी एक प्रेफरेंस होती है, ये वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप समझ गए ना कि जिसको जिस इंसान को भी इसका खुशबू और उसको सी फूड वाला पर्टिकुलरली जैसे आप होते ना तो गोवा या मुंबई का मरीन ड्राइव या गोवा हो गया जो पिक्यूलियर जो फ्रेगनेंस आती है वो पूरी एकदम फ़िश करी और फिश ऑयल और फिश उसको सूंघ के अगर किसी इंसान के मुंह के अंदर पानी आता है ना तो वो ज़रूर ट्राई कर सकता है, उसको बहुत 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 पसंद आएगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल 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 पसंद नहीं आई है और ये सिर्फ मेरी एक वो है ओपिनियन है, तो जिसको पसंद आएगी वो प्लीज़ ट्राई करना चाहे और जो ट्राई करना चाहते हैं वो भी ज़रूर ट्राई करें, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो हम जल्दी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना और हम जल्द ही आपको बहुत ही जल्दी फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर, बाय 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 बाय।